कल हम लोगों ने 16वां अध्याय देख लिया, दैवासुर संपत विभाग योग। उसमें सद्गुण और दुर्गुण इनकी विशेष रूप से चर्चा की गई, लेकिन जैसे ये सद्गुण और दुर्गुण जैसे हम पढ़ते हैं या समझते हैं इतने सरल होते हैं क्या? तो बोले नहीं होते हैं। कभी कभी अपेरेंटली हमें ऐसे लगता है कि ये सद्गुण है, लेकिन वो कब दुर्गुण में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। या कभी कभी दुर्गुण होता है लेकिन कभी कभी किसी प्रसंग में वो सद्गुण भी सिद्ध हो जाता है। तो ये विभाजन जो है ये इतना सरल नहीं होता। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो उसमें जो सबसे महत्व का फैक्टर है वह है श्रद्धा। तो यह 17वां अध्याय जो है यह श्रद्धा त्रय विभाग योग ऐसा उसका नाम है। तो इस अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, तो यह प्रश्न पूछने के पहले हम उसकी थोड़ी बैकग्राउंड समझ लें और फिर प्रश्न देखें। देखिए, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, आस्तिक रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं। कुछ लोग शास्त्र का अध्ययन करने वाले होते हैं या किसी से पूछने वाले होते हैं, तो शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होती उस पर। कुछ लोग तो क्रिटिकली भी शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं कि उसमें क्या दोष है, क्या वैलसेज है, उसको ढूंढ के निकालें। मैंने भी एक ऐसा एक आदमी मिला था, उसने मुझे बताया कि उपनिषदों में क्या क्या दोष है, इसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा है, तो आप जरा मुझे पढ़ के चेक करके दिखा दीजिए। मैंने कहा कि प्रणाम किया, मैंने बोला आई डोंट वांट टू सी, मैंने देखना भी नहीं है, पढ़ने भी नहीं चाहती। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो क्रिटिकली शास्त्र पढ़ते हैं, दोष निकालने के लिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें उनकी श्रद्धा भी होती है, श्रद्धा से आचरण करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार वो कर्म भी करते हैं, लेकिन उनको शास्त्र इतना ठीक ठीक मालूम नहीं होता।
शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होता है या ऐसे कोई विश्वसनीय जानकार व्यक्ति नहीं होता उनके पास कि क्या करना चाहिए बताने वाला, तो फिर ऐसी स्थिति में वो श्रद्धा से तो कर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो शास्त्र विधि के विपरीत हो या बराबर शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हो। शायद हम सब लोग, मेजोरिटी ऑफ अस, वी फॉल इन दिस कैटेगरी। श्रद्धा से हम करते हैं लेकिन शास्त्र हमने इतना विस्तृत रूप से पढ़ा नहीं है, उसके जो छोटी छोटी बातें रहती है उसकी वो सब हमें मालूम नहीं होती। अंदाजे से कुछ मालूम होता है, कुछ हमारे माँ ने या सास ससुर ने बताया, वैसे हम करते चले जाते हैं, लेकिन वो क्यों करना, उसमें क्या गलती हो सकती, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग को इतनी ठीक से मालूम नहीं होती, लेकिन श्रद्धा होती है, हम करते जाते हैं। और हो सकता है कि उसमें कुछ गलती भी हो शास्त्र की दृष्टि से। तो फिर ऐसे समय में उसका फल क्या मिलता है, क्या गति होती है उस कर्म की? श्रद्धा है इसलिए श्रेष्ठ फल मिलेगा, या शास्त्र विधि से अलग है, शास्त्र विधि को छोड़कर है इसलिए उसका गलत फल मिलेगा? यह प्रश्न अर्जुन के मन में आया और उसने पूछा, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, कि जो शास्त्र विधि को तो छोड़ देते हैं, छोड़ देते मतलब जानबूझकर छोड़ते हैं ऐसा नहीं, लेकिन नहीं जानते वो, उनको ये मौका नहीं मिलता जानने का, लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो श्रद्धा है, वो सात्विक समझे, राजसिक समझे कि तामसिक समझे, क्या फल मिलेगा उनको उसका? ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में आया। हमारे इसमें भी हम लोग वैदिक चैंटिंग वगैरह सिखाते हैं, तो कितने ही बार लोग उसको, वो स्वरों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते, गलत स्वर होते हैं, तो भी उसमें क्या प्रमाण माने? श्रद्धा पूर्वक हम कर रहे हैं उसका परिणाम ज्यादा होगा, या गलत स्वर बोल रहे हैं उसका दुष्परिणाम ज्यादा होगा? यह प्रश्न है, ये शंका आती रहती है हमारे बहुत बार। तो अभी यहाँ पे भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सास्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रुणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। बताया कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव, ये श्रद्धा जो है, या पहले श्लोक में अर्जुन ने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया, मतलब श्रद्धा ही है, तो ये जो होती है ये तीन प्रकार की होती है, और स्वभावजा यानी स्वभाव से ही होती है, सात्विक राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार की होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, यहाँ पे बताया सत्वानुरूपा, मतलब यहाँ पे सत्व शब्द का अर्थ सात्विक के अर्थ में नहीं है, कहते हैं कि जैसा हमारा स्वभाव होगा, अंतःकरण जिस प्रकार से बना हुआ होगा, वैसे ही हमारी श्रद्धा होगी, या वैसे वर्षा श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही हमारा अंतःकरण बनता है। सच पूछो तो यहाँ पर जो स्वभाव की बात की हुई है, वह स्वभाव यानी हमारे पूर्व पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी कर्म किए हुए हैं उनका जो परिपाक होता है, उससे हमारा इस जन्म का स्वभाव बनता है, वो सारे संस्कार उनका परिपाक स्वभाव बन जाता है। हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति का उसका स्वभाव ही ऐसा है, इस व्यक्ति का स्वभाव ही वैसा है, मतलब क्या पूर्व पूर्व जन्म में उसने जो जो कर्म किए हुए हैं उन सबका परिणाम, एकत्रित परिणाम उसके रूप में उसको यह स्वभाव जो है वो प्राप्त हो गया, अच्छा हो बुरा हो मीडियम हो कैसे भी,
श्रद्धा मयोयम पुरुष योय श्रद्धस्य एव सः। तो बोले यह पुरुष, पुरुष ने स्त्री नहीं है, ऐसा नहीं है, पुरुष ने व्यक्ति, तो ये जो है यह कैसा है, श्रद्धामय है, श्रद्धा से ही बना हुआ है। योय श्रद्धस्य एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही वह व्यक्ति होगी। इंग्लिश में बोलते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। लेकिन ये उससे भी एक स्टेप आगे है कि आप सोचते कैसे हो, तो बोले जैसे आपका स्वभाव होगा, जैसे आपका पूर्व कर्म होगा वैसे ही आपका स्वभाव इस जन्म में आपको प्राप्त होगा, वैसे ही आपकी सोच रहेगी। तो देखिए श्रद्धा शब्द जो है उसके भी अलग अलग स्तर के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो श्रद्धा हम जानते हैं जैसे भगवान पर है, गुरु वाक्य में है श्रद्धा, शास्त्र पर श्रद्धा होती है, ये इस जो श्रद्धा हम कहते हैं वो एक श्रद्धा है। फिर दूसरा कहते हैं कि कर्म हम किस कारण से करते हैं, कर्म के पीछे जो प्रेरक तत्व होता है उसको भी श्रद्धा कहते हैं, कि मेरी ऐसी श्रद्धा है, मेरी ऐसी प्रेरणा है, इसलिए मैंने ये कर्म किया, उसको भी श्रद्धा कहते हैं। और तीसरी जिसको हम अभी देख रहे हैं कि अनेक जन्मों के संस्कार के कारण जो स्वभाव बनता है वो अलग अलग होता है। कोई कोई लोग होंगे वो सब कुछ अपने अपने मन की जो वृत्ति होगी उसके अनुसार देखेंगे, सब बोलेंगे अरे ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचेंगे। कोई लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें विद्या ने क्या है, आप उनको कौन सी भी चीज हो, भगवान के बारे में हो या लौकिक हो, विज्ञान की दृष्टि से समझाएंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज में मेरा फायदा कैसे होगा ये ढूंढ निकालते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण शायद आपने सुना भी होगा, एक बार कुछ व्यक्तियां यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कुछ लोग, तो एक वहां पर एक दानशूर व्यक्ति आ गया और उसने सबको एक गीता की पुस्तक भेंट दी, चिन्मय मिशन की होली गीता डिस्ट्रीब्यूट की उन्होंने, अभी चल रहा है ना सबको, बहुत बड़ी अच्छी खासी ऐसी किताब सबको भेंट दी बांट। तो एक व्यक्ति है उसने तो देखा अरे वहां गीता है, मुझे आज प्रसाद रूप से मिल गई, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं कि मैं इसको पढूं और ज्ञान प्राप्त करूं। उसने सिर से लगा लिया और पढ़ने लग गया। दूसरा व्यक्ति था, उसने देखा कि बोले अरे ये अच्छी खासी है, तो क्या मैं इसका बोले ये काम आएगी, मच्छर वगैरह बैठा हो उसको मारना है या और कुछ चीजें है, किसी दूसरे को भी मारना हो तो ऐसे लगा देंगे पीठ के ऊपर तो बराबर बैठेगी, अच्छी है बड़ी। तीसरा है व्यक्ति, उसने देखा अरे बोले इतने हजार से ऊपर पेज है से, बहुत बड़ी अच्छी बाइंडिंग वगैरह भी अच्छी है, सुंदर है, किसी किसी पुस्तक दुकान में जाकर मैं बेच डालू, अच्छी कीमत मिलेगी मुझे, मुझे तो फ्री में ही मिली हुई है। और चौथा व्यक्ति था, उसने देखा बोले अरे ये तो अच्छी है, ये तो पिलो के समान है, सोना है तो सिर के नीचे तकिया के जैसे मैं ले सकता हूं। तो एक ही चीज लेकिन उसके तरफ देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हुए, अलग अलग स्वभाव है व्यक्तियों के, अलग अलग भाव उत्पन्न हो गए सबके। अभी ये कैसे हुआ, तो बोले उनके जैसे पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार थे उसके कारण उनको उस पुस्तक का अलग अलग उपयोग दिखाई दिया। तो बोले जैसे अपना स्वभाव होगा, जैसे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होंगे उसके अनुसार ही हम बनते हैं और वैसे ही हमारी सोच बन जाती है, स्वभाव के अनुसार ही हम सोचते हैं, वो हमारे सोचने का एक तरीका एक ढंग बन जाता है। तो यहाँ पर अभी 17वें अध्याय में अलग अलग ये श्रद्धा अलग अलग हमारे व्यवहार में किस प्रकार से प्रकट होती है, हम व्यवहार करते हैं
खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, सब चीजों में यह श्रद्धा कैसे व्यक्ति की प्रकट होती है यह बताया गया है। और उसमें सात्विक कैसे पहचाने, राजसिक कैसे पहचाने और तामसिक कैसे पहचाने। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। बोलते कौन किसकी पूजा करता है इससे भी उसकी श्रद्धा का अनुमान लगाया जा सकता है। जो सात्विक लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं की करते हैं अच्छे सत्संग में जाते हैं, अच्छे सज्जनों में उनका उठना बैठना होता है। राजसिक जो होते हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, यक्ष केंद्र वगैरह जो दुनिया है उनकी पूजा करते हैं। और तामसिक जो है वो प्रेत भूत इनकी पूजा करते हैं, ब्लैक मैजिक भी करने वाले लोग है ना, तांत्रिक पूजा वगैरह ये कैसे है, ये तमोगुणी है। तो उनकी श्रद्धा तामसिक। फिर बताया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आहार, ये आहार जो है ये बहुत महत्व रखता है व्यवहार में। और ये जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारा मन भी बनता है, क्योंकि तो जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसका जो सूक्ष्म अंश होता है उससे मन की उत्पत्ति होती है। स्थूल पोषण से शरीर पुष्ट होता है, पुष्ट या नष्ट जो भी हो, और सूक्ष्म जो अंश है उससे हमारा मन बनता है। तो इसलिए वो भी समझना बहुत आवश्यक है। केवल अन्न से ही मन बनता है ऐसे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है लेकिन अन्न एक मेजर फैक्टर है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन आहार सिद्धा स्थिर आरोग्या आहार सात्विक प्रिया। बोलते जिससे आयु बढ़ती है, सत्व बल और आरोग्य बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है, मन स्थिर रहता है, बुद्धि अच्छी बनती है, आरोग्य अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता, डायबिटीज नहीं बढ़ता, सुख प्रीति विवर्धन सुख मिलता है जिससे, रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या रसपूर्ण है, उसमें रस है, स्निग्धता है, स्थिर है मतलब शरीर में टिकता है, वो खाने से हमें जो पुष्टि मिलती है, जो विटामिन मिलती है वो शरीर में रहने वाली होती है। और रुद्या मतलब मन को भी प्रिय लगता है, मन को प्रिय लगता है मतलब ऐसा नहीं कि चाट के पदार्थ ये वो सब खाए हम लोग, ऐसे प्रियता नहीं, लेकिन मन को आनंद संतोष देने वाला ऐसा जो आहार है इसको क्या बोलते हैं, सात्विक प्रिय, यह सात्विक आहार। कटवम न लवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, अत्यंत कटु, कटु मतलब करेला नहीं खाना ऐसे नहीं, मेथी नहीं खाना ऐसा नहीं, अत्यधिक कटु ज्यादा खट्टा, ज्यादा ही नमक डाला हुआ, अत्यंत गर्म या तीखा, अत्यंत तीखा आहारा राजस श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदाह, ये क्या करते हैं बोले दुख देते हैं और आमय, आमय मतलब रोग, रोगों की उत्पत्ति करते हैं। रोगों की उत्पत्ति होगी तो दुख अवश्य होगा और शरीर की भी पुष्टि नहीं होगी, संवर्धन नहीं होगा उसका, उसमें भी तकलीफ ही पैदा हो जाएगी। तो ये राजस आहार है। और यातयाम गतरसम पूति परियोषितम चय उच्चिष्टम अपि चामेन्द्र भोजनम तामसम। तो बोले जो आधा ही पका हुआ है, ठीक से पका हुआ नहीं है, सूख गया है, बासी है, कलका है, फ्रेश नहीं है, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, अमेध्य है, उच्चिष्ट है, किसी का उच्चिष्ट है, ऐसे सब चीजें जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तामस। तामसी श्रद्धा वाले लोग ऐसे आहार को पसंद करते हैं। अच्छा, यज्ञ बताया, यज्ञ दान और तप इसके बारे में भी बताया हुआ है कि ये कैसे कैसे, यज्ञ दान तप वास्तविक अच्छी क्रियाएं है कि नहीं, बहुत श्रेष्ठ बनाई बताई गई शास्त्र में करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये भी सात्विक राजसिक तामसिक हो सकते हैं, कैसे ये बताया। अफलाकांक्षी यज्ञ विधि दृष्टो ये इज्जते,
जो यज्ञ अफलाकांक्षी भी, मतलब फल की अपेक्षा से नहीं किया जाता, केवल करना है, ये कर्तव्य मानते हुए उसको किया जाता है, और विधि दृष्टा, विधि को सामने रखते हुए, शास्त्र को सामने रखते हुए किया जाता है। मन समाधाय, जिससे मन में संतोष की मतलब शांति की उत्पत्ति होती है, मन समाहित होता है। ऐसे जो यज्ञ होगा, ऐसे जो कर्म होगा, वह सात्विक कर्म बताया गया। लेकिन जो यज्ञ अभिसंधाय तो फलम, विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए किया हुआ है, फल का अभिसंधान करते हुए किया गया है, या दंभार्थम भी, दंभ मतलब दिखाने के लिए, सब लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं ऐसा ऐसे बड़ा बड़ा यज्ञ करता हूँ, ऐसा दिखाने के लिए जो किया जाता है वो राजसिक यज्ञ। और विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचक्षत। जो विधि को छोड़ते हुए, विधि वगैरह हम कुछ देखेंगे नहीं, जैसा हमें कन्वीनियंट होगा वैसे करेंगे, और कैसा तो बोले मंत्रहीनम, मंत्र वगैरह भी बोलने का विधान नहीं ज्यादा, अदक्षिणम, जिसपे दक्षिणा नहीं दी गई हो, दान नहीं दिया हुआ हो किसी को, श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा विरहितम, ऐसा जो यज्ञ होगा वह तामसी यज्ञ होगा। ये तो केवल अपनी मनमानी से किया हुआ रहेगा, तो ये तामसिक यज्ञ है, वो दिखाई दे वाले यज्ञ है लेकिन वो यज्ञ नहीं है। फिर बताते हैं तप भी तीन प्रकार का होता है। तप अभी भी उन्होंने तो बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है यहाँ पर। पहले तो बताया कि तप तीन प्रकार का, मतलब शारीरिक, वाणी के स्तर पे और मन के स्तर पे, ऐसे तीन स्तरों पे किया जाता है अलग अलग, और ये सब हर एक में सात्विक राजसिक तामसिक होता है। तो बोले शारीरिक तप कौन सा है, तो बोले देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपम च। तो बोलते देवता, ब्राह्मण, गुरु या कोई विद्वान, प्राज्ञ मतलब विद्वान व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की पूजा करना, उनकी कुछ ना कुछ प्रकार से सेवा करना, शौचम शुचिता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, ये सब क्या है, तो बोले शरीर के तप, शरीर के स्तर पे किए जाते हैं। किसी की सेवा करनी हो तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। वाणी का तप यानी क्या है, तो बोले अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय स्वाध्याय व्यसनम चय वाङ्मयम तप। तो बताते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्य, ऐसे वाक्य बोले जिसे दूसरा व्यक्ति उद्विग्न नहीं, तो ऐसे वाक्य बोले, ऐसे ही वाक्य हम बोले, ये ही बहुत महत्व का है। हम उद्वेग न उत्पन्न करने वाले वाक्य भी बोले और बीच बीच में उद्वेग उत्पन्न करने वाले वाक्य भी बोले, दूसरे व्यक्ति को दिल जो है उसको दुखाएं, तो ये वाणी का तप नहीं माना जाएगा। ये वाणी का तप है ना, वाणी का तप है मतलब हमें संयम रखना पड़ेगा, अपने वाणी को, जुबा को काबू में रखना पड़ेगा कि ऐसा विचार मन में आए तो भी नहीं बोलना। सत्यम प्रिय हितम चयत, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकर भी हो, इन सबका ध्यान रखते हुए जो बोला जाता है, या स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्यायाभ्यसनम मतलब हम कुछ नाम जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कुछ पारायण करते हैं अच्छे अच्छे ग्रंथों का, ये सब वाणी का तप। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि, ये सब मानसिक तप है, ये तो बहुत ही महत्व का है। मन प्रसाद, प्रसाद सौम्यत्व, सौम्यत्व यानी क्या, सौम्यत्व रखना, मन सौम्य रखना, कठोर नहीं होने देना उसको, और हमेशा उसको प्रसन्न रखना। बोले ये मन का बहुत बड़ा तप है। हम जब दुनिया में व्यवहार करते हैं, जीवन जीते हैं अपना, तो ऐसे कितने ही प्रसंग आएंगे, ऐसे कितने
नहीं व्यक्तियों से हमारा पारा पड़ेगा कि जिससे हमारे मन की प्रसन्नता छूट जाए। लेकिन ऐसा होते हुए भी, ऐसे प्रसंगों में भी अपने मन की समता, सौम्यता और प्रसन्नता बनाए रखना, ये मन का बहुत बड़ा तप है। और साथ ही मौनम, मौन यानी हम सोचते हैं मौन का अर्थ होता है वाणी से कुछ बोलना नहीं। मौन का अभ्यास करेंगे तो हम लिख के बताते हैं, साइंस से बताते हैं, लेकिन ये वास्तविक मौन नहीं है। यहाँ पर मौन को मन का तप बनाया, वाणी का तप नहीं बताया, ये नोट करने की बात है। मन का तप, मौन यानी क्या, मन में जो हमेशा हमारे कुछ ना कुछ चलते रहता है ना, पटर 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 कुछ ना कुछ बोलते ये रहता है हमारा। जब हम ध्यान की कोशिश करेंगे, उस समय जब शांत बैठकर हम अपने मन को हम संप्रेरित करने की चेष्टा करते हैं, तब पता चलता है कि अरे कितने विचार उठ रहे हैं, क्या हमारा मन बातें कर रहा है, कितने सोच रहा है। नहीं तो हमारा मन की ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो ये मन का मौन यानी मन का ये जो बोलता है, सतत विचार करना है, यह कम हो जाना या बंद हो जाना, इसको मन का तप कहते हैं। मौन आत्मविनिग्रह और भाव संशुद्धि, ही मन को हमेशा शुद्ध रखना, कभी भी किसी के भी प्रति दुर्भाव नहीं आने देना, हमेशा सबके भलाई का ही सोचना। भले शत्रु भी आए, जो आपका अपमान भी करे, आपको गाली भी दे, तो भी उसका कल्याण कैसे हो, यही सोचना, यह भाव संशुद्धि है। तो ये मन का बहुत बड़ा तप है। और ये सब करते हुए क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ श्रद्धया पर्यातप्तम और अपराकांक्षी, मतलब परम श्रद्धा होनी चाहिए, और ये सब तप करने से मुझे अमुक फल मिलेगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो शरीर, वाणी और मन तीनों का तप हम करें, और ये सब करते हुए सात्विक एटीट्यूड से करें, तो वह सात्विक तप। ठीक है, सात्विक तप कितना कठिन है, फिर तीनों स्तर पे करना है, अपने पूरे व्यक्तित्व से करना है और सात्विक एटीट्यूड से करना, बिना फल की अपेक्षा के और परम श्रद्धा से युक्त होकर। और हम ये तीनों तप करेंगे शरीर, वाणी और मन के स्तर पर, लेकिन सत्कार मान पूजार्थम, कोई हमारी बहुत बड़ाई करे, हमारा सम्मान करे, कुछ स्वार्थ हो उसमें या दम्भ हो, इस प्रकार से करेंगे तो वह राजसिक तप होगा। और कभी कभी शरीर, वाणी, मन का तप करते हैं और इसलिए करते हैं, तो बोले यत पीड़या, अपने को पीड़ा हो या दूसरे को पीड़ा हो, परस्योग साधनार्थम, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए, कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा और मेरे जो शत्रु जो है ना, उसको एक सबक सिखाऊंगा और इसके लिए मैं मन की शक्ति इकट्ठा करूंगा, ऐसा जो किया जाता है वह तामसिक तप है। देखिए वास्तविक तप शब्द का अर्थ होता है शक्ति संचय। फिर ये जो शक्ति संचित हो गई, उसको भगवान की ओर मोड़ देना, अच्छे कर्म की ओर मोड़ देना, इसको यज्ञ कहते हैं। और बाद में जो फल मिलेगा उसको, वो उसमें केवल मेरा अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, ऐसे मानते हुए वो बांट देना वो फल, इसको बोलते हैं दान। भले ही तब मैंने किया हुआ हो, अच्छा कर्म मैंने किया हुआ हो, लेकिन उसका जो फल मिलेगा वो सबको मिलना चाहिए, उसका उसमें हिस्सा सबको मिले, ऐसा सोचते हुए उसको बांट देना, यह वास्तविक दान है। तो दान के भी तीन प्रकार बताए कि जो दीयते अनुपकारिणे, कुछ प्रति हमें वापस कुछ मिलेगा ऐसा सोचते हुए नहीं दिया जाता, वो वास्तविक दान होता है। देशे काले च पात्रे च, सत्पात्र दान, सत्काले दान और अच्छे देश में दान, इसका भी बड़ा महत्व होता है, लेकिन उसके बारे में भी दो मत होते हैं। अगर सत्पात्र दिए तो अच्छी ही बात है, लेकिन किसी व्यक्ति का मत ऐसा हो कि भाई मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ देना चाहता हूँ,
फिर वह व्यक्ति उसका क्या उपयोग करे। तो ऐसी, लेकिन उसमें भी एकत्व की भावना मानते हुए उसको देना या उसको भगवत स्वरूप मानते हुए देना, इस प्रकार से करे तो वह सात्विक दान होता है। या फिर प्रत्युपकारार्थम, जो बाद में मुझे कुछ इससे मिलेगा ऐसा सोचते हुए दान दिया जाता है, और देने में बहुत कठिनाई भी होती है। परिक्लिष्ट, उदारता से नहीं दिया जाता, क्लेश पूर्वक दिया जाता है, उसको कहते हैं राजस दान। और प्रत्युपकारार्थम मतलब हम अभी ब्लैंकेट बांटेंगे सबको, बाद में ये सब हमको वोट देने वाले, ये राजसिक दान हो गया। प्रत्युपकारार्थम मतलब उद्देश्य। अदेश काले यदानम अपात्रे भेष्य दीयते असत्कृतम अवज्ञानम तत्तामसुम। कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, और चाहे किसी को भी दे दिया और मन में भाव भी बहुत ऊंचा नहीं है ऐसा हो तो वह, और कैसा दिया, असत्कृतम अवज्ञानम, बिना सम्मान के तिरस्कार पूर्वक दिया गया उसको, उसको भगवान भगवत स्वरूप मानते हुए नहीं, तो वह तामसिक दान होता है। और एक बात बड़ी अच्छी इसमें बताई गई आगे, कहते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणस्मि मिदस्मदः। तो बोलते हैं बाकी सब कुछ छोड़ दे, हम बाकी इतना सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, हमारे मन में क्या है टेंशन, ये सब सोचते बैठे, इससे सबसे अच्छा तरीका ऐसा है कि जितना हो सके इस पे ऊपर ध्यान दे, लेकिन उसके बाद में भगवान का स्मरण करते हुए ओम तत्सत ऐसा उच्चारण करते हैं। ओम ये भगवान का नाम है, तत्सत ये भगवान की कृपा के लिए है। तो ऐसा भगवत स्मरण पूर्वक जो किया जाता है, फिर वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो या भोजन भी हो, ये सब कुछ जो है ये कैसा होता है, ये बहुत कल्याण करने वाला होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि क्या होगा, श्रद्धा है और विधि उत्सृत, जब विधि छोड़ दिया तो क्या उसका, उसकी गति क्या होगी। तो बोले श्रद्धा जो है, श्रद्धा का बल पारा थोड़ा सा भारी होता है, शास्त्र का थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम श्रद्धावान है इसलिए शास्त्र को जानने की चेष्टा ही न करें, ऐसा उसका अर्थ कदापि नहीं। जहां तक जानने हो सकता है जानने की चेष्टा करे, और अगर नहीं जान सके तो भगवान का नाम लेकर भगवान ये मैं आपके प्रीति के लिए कर रहा हूं ऐसा बोलते हुए करे तो उसका फल अवश्य अच्छा होगा। तो बोलते हैं जो जो ब्रह्मवादी है, मोक्षकांक्षी भी है, ये सब लोग इसी प्रकार से भगवान की याद करते हुए, स्मरण करते हुए ही ये सब काम करते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अगर अश्रद्धा से किया, तप किया, दान किया, कर्म किया, कुछ भी किया, तो बोले उसका फल नहीं मिलता। न च तत् प्रेत्य नो इह, वो इहलोक में भी नहीं, परलोक में भी नहीं। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं, शास्त्र थोड़ा सा छूट गया तो छूट है, चलेगा, कोशिश करे लेकिन चलेगा, क्योंकि वो समझने में कठिन होता है इसके लिए। तो इस प्रकार से यह श्रद्धा त्रय विभाग योग यहाँ पर समाप्त हो गया। अब कल हमारा यह 18 दिन का ये जो यज्ञ सत्र चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। जो लोग समझते हैं गीता का महत्व और इस कार्य का महत्व कि हम गीता का अर्थ समझे, पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ भी जानकर समझे, ये जो चिन्मय मिशन का ये जो कार्य है यह अच्छा चल रहा है और इसके लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिसको हम गुरु दक्षिणा कहते हैं, तो वो देने की सुविधा इसमें है। आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आप किस प्रकार से दे सकते हैं, दान कैसे दे सकते हैं, गुरुदक्षिणा कैसे आपको दे सकते हैं। श्रद्धा से ही दे तो सात्विक दान होगा वो, तो इस प्रकार से आप उसको समर्पित कर सकते हैं। इसमें भी आपको वो भेजा जाएगा, व्हाट्सएप में भी भेजा जाएगा, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।
शांति हरि ओम श्री गुरु नमः।